हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अप्राइज और अप्रेज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन भी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बेसिस पर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक होता है अप्रेज और एक होता है अप्राइज। ध्यान से देखिए, एक होता है अप्रेज, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक होता है अप्रेज जिसकी स्पेलिंग है RAISE, और एक होता है अप्राइज जिसकी स्पेलिंग है RISE। अप्रेज का मतलब होता है इवेलुएट करना, असेस करना या मूल्यांकन करना, जबकि अप्राइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में सूचित करना। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो आप उसको राइज करके इन्फॉर्म करेंगे। राइज का मतलब होता है उठाना, उसको आप पहले उठाएंगे, फिर आप उसको सही बात बताएंगे। तो अप राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, अप रेज का मतलब होता है इवेल्युएट करना। अप रेज, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस का साल के आखिरी में अप्रेजल होता है, और यदि आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आपका स्टैंडर्ड रेज हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं, अप्रेज और अपराइज। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ सही और गलत सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस सही होगा, कौन सा सेंटेंस गलत होगा। यदि आप इस सेंटेंस को देखें, वी इंस्पेक्ट एंड अप्रेज प्री ओन्ड व्हीकल, हम प्री ओन्ड व्हीकल्स को इवेल्युएट करते हैं, उसको देखते हैं उसकी कीमत क्या है। तो चूंकि ये सेंटेंस ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये सेंटेंस सही है और यहाँ पर राइट का निशान भी लगा हुआ है। अब हम देखते हैं गलत सेंटेंस क्या होगा। देखिए, ये है गलत सेंटेंस, वी इंस्पेक्ट एन अपराइज प्री ओन्ड व्हीकल। तो अपराइज का मतलब तो किसी व्यक्ति को सूचित करना होता है, तो व्हीकल के सेंस में यहाँ पर अपराइज वर्ड का प्रयोग गलत है, और यहाँ पर अप्रेज का प्रयोग सही है क्योंकि यहाँ पर हम इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस सही और गलत। देखिए, ये है सही सेंटेंस, प्लीज अप्राइज द पेशेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द यस्टरडे मीटिंग। कृपया पेशेंट को बताओ कि कल की मीटिंग का आउटकम यानी उसका रिजल्ट क्या निकला। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रखें कि अप्राइज ये जो वर्ड है, इसके साथ हम हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ये एरर भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो सेंटेंस है ये सही है, सही का निशान आप देख सकते हैं, और ये है गलत सेंटेंस क्योंकि इसमें अप्राइज के स्थान पर अप्रेज वर्ड का प्रयोग किया है। प्लीज अप्रेज द पेशेंट, हम पेशेंट को अप्रेज करेंगे, अप्राइज करेंगे अप्रेज नहीं करेंगे। यहाँ पर अप्रेज लिखा हुआ है और अप्रेज के बाद हम ऑफ नहीं लगाते हैं, अप्राइज के बाद हम ऑफ लगाते हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डिफरेंस बिटवीन और कंफ्यूजिंग वर्ड की पूरी सीरीज मैं एक प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखें और डेफिनेटली इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।